हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज मैं फिर से आपको एक ऐसे प्लांट के बारे में बताना जा रही हूँ जो कि बहुत हार्डी प्लांट है, बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा प्लांट रहता है। इसमें दो वैरायटी आती हैं, एक ही वेरीकेटेड वाली है, एक सिंपल वाली वैरायटी होती है और इसका नाम है डेविल्स बैकबोन। तो इस प्लांट को आप चाहे नर्सरी से ले आइए या फिर किसी से अगर आपको कटिंग मिल जाए तो आप उसकी कटिंग ला के आराम से लगा सकते हैं। मैंने इसी पॉट में दो कटिंग पहले से ही लगा के रखी हैं। अभी इस पे ना आप ये इसकी ग्रोथ फिर से स्टार्ट हो गई। सर्दियों में इसकी ग्रोथ स्लो होती है और ये बहुत हार्डी प्लांट है। फुल सनलाइट में रखेंगे तब भी चलेगा, आप अपनी बालकनी में भी इसको रख सकते हैं तब भी ये बहुत अच्छे से सर्वाइव करता है। बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस की इसको ज़रूरत नहीं होती है और बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र देने की भी इसको ज़रूरत नहीं है। इसकी जो सॉइल है वो बस आप सॉगी सॉइल ना होने दें, वेल ड्रेन सॉइल रखें और रेत की क्वांटिटी है तो कुछ थोड़ी सी ज़्यादा रखें। अब मैं आपको बताती हूँ, इसकी कोई भी कटिंग को आप यूँ ही तोड़ के लगा देंगे फिर भी इसमें जो है रूट डेवलप हो जाते हैं। यहाँ मैं आपको जो दिखा रही हूँ कि इसमें रूट्स भी डेवलप हो चुके हैं। मैंने यूँ ही इसकी कटिंग को तोड़ के इसी पॉट में लगा दिया था तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो रूटिंग है वो स्टार्ट हो गई थी और इस पर की न्यू ग्रोथ भी स्टार्ट हो गई थी। दूसरी कटिंग में भी इसी तरह से मैं आपको दिखा पा रही हूँ कि इसकी रूटिंग अच्छे से स्टार्ट हो गई है। तो अब आप चाहे तो इसको ना एक अलग पॉट में लगा सकते हो तो ये दो प्लांट आपके अलग से तैयार हो जाएंगे, और अगर आप नहीं चाहते तो इसको और ज़्यादा बुशी बनाना चाहते हो तो इसी में रहने दीजिए। मैं यहाँ इन दोनों ही कटिंग को अलग अलग छोटे छोटे पॉट में लगाऊंगी जिससे कि मेरे ये एक से ज़्यादा प्लांट तैयार हो सके, और कुछ इसकी कटिंग जो तोड़ के मैं लगाऊंगी वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मैं अभी आपको दिखा पा रही हूँ कि मैंने इनको एक छोटे छोटे पॉट्स में शिफ्ट कर दिया है और थोड़ा सा वाटर इसमें मैं डाल दूँगी तो ये मेरे कुछ समय के बाद दो प्लांट जो तैयार हो जाएंगे। कुछ कटिंग जो मैंने है इसकी अभी तोड़ के इसमें डक का ये पॉट में रखा लिया था इसमें लगा दिया है, तो कुछ इस तरह से आप इसकी कटिंग ले लीजिएगा और ऐसे ही आप इसको लगा देंगे ना तो ये बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ इनकी होना स्टार्ट हो जाएगी। और अगर आपको इसका पूरा फुल डिटेल वीडियो देखना है तो मेरे चैनल पे आप इसका फुल डिटेल वीडियो मैंने पहले डाला हुआ है तो आप उसको भी जाके चैनल पे देख सकते हैं। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर ज़रूर किया करें जिससे मेरे वीडियोस और लोगों तक पहुँचें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।